तो जब हम नया नया करियर स्टार्ट करते हैं तो सबको ये डाउट होता है यार, कौन सी सिटी में जाके हमें सेटल होना चाहिए, कहाँ पे हमें काम करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, रेंट कहाँ पे ज़्यादा है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं। सबके अलग अलग प्रेफरेंसेज होते हैं। सम पीपल वॉन्ट टू स्टे एट होम, सम पीपल वॉन्ट टू ट्रैवल, सम पीपल वॉन्ट कि उनके आस पास वाली जगहें काफ़ी अच्छी हों, किसी को खाने की जगह अच्छी चाहिए होती हैं। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर टेक सिटीज़ मेजरली जहाँ पे कंपनीज हैं राइट नाउ। द फोर सिटीज़ आर हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव एंड नोएडा। सो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आर इन बैंगलोर एंड हैदराबाद, बट कुछ एंड काफ़ी कंपनीज आर स्टिल इन गुड़गांव एंड नोएडा। सो वील हैव अ कंपेरिजन इन दिस वीडियो। ऑल द ओपिनियंस आर माइंड, ठीक है। इसमें मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, अपने साथ वालों से पूछा है जिन्होंने अलग अलग सिटीज़ में लाइक रह के काम किया हुआ है। आई हैव स्टेड इन हैदराबाद, आई हैव स्टेड इन बैंगलोर एंड आई हैव ऑल्सो स्टेड इन दिल्ली। सो मेरे को थोड़ा आइडिया गुड़गांव नोएडा का भी था। सो आई हैव पुट डाउन ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो एंड या लेट्स स्टार्ट इट। सो हम बेसिकली 8 फैक्टर्स पे डिसाइड करने वाले हैं, रेटिंग देने वाले हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा बेटर है। अब वील स्टार्ट फ्रॉम रेंट। अगर आपको रेंट पे रहना है फ्लैट में या फिर अगर आपको पीजी में रहना है तो मैं उसका एक बारी रेंट बता दूंगा कितना होता है, कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा है, कौन सी सिटी में थोड़ा कम है। इसके अलावा फिर फूड कैसा है वहाँ पे, खाने की कितनी तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं आपको। साथ में कुछ लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ट्रैवल डेस्टिनेशंस कितनी आसपास हैं। अगर आपको ड्राइव करके जाना पसंद है, अगर आपको ट्रेन से जाना पसंद है, तो आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, घूमने की कितनी जगह हैं आसपास। दिस इज़ वन फैक्टर। अनदर इज लोगों को पार्टी करना पसंद है, तो पार्टी प्लेसेस कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा सेफ है, कब तक खुली हुई होती हैं। इसके अलावा आपको टेक अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल जाती हैं, कंपनीज़ कितनी ज़्यादा है। अगर आपको मीटअप्स में जाना पसंद है, अगर आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो कितनी ज़्यादा आप लोगों के साथ मिल सकते हो, कितने ज़्यादा इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं उस सिटी में। इसके अलावा सिटी में ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, सिटी के अंदर ट्रैवल करना कितना ज़्यादा ईजी है, कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एंड किस टाइप के लोग आपको उस पर्टिकुलर सिटी में मिल जाते हैं। सो कॉर्ड 3.0 हैज स्टार्टेड। इफ यू स्टिल वॉन्ट टू एनरोल इन इट, जल्दी जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो क्या है, इट्स अ डीएसए प्रेप कोर्स। यहाँ पे आपको डीएसए कराया जाता है 2-स्टेप मेथडोलॉजी में। आपको बिल्कुल जावा में बेसिक से डीएसए कराया जाएगा। डीएसए इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, सो हम आपको C++ एंड पाइथन के कोर्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, बट जिन लोगों को बिल्कुल कोडिंग नहीं आते उनके लिए जावा से चीजें सिखाई जाएंगी बिल्कुल स्क्रैच से। इसके साथ साथ हम आपको OSGBMS, OOPS, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी करा देते हैं। साथ साथ आपको 2 प्रोजेक्ट बनवा देते हैं फॉर योर रेज्यूमे दैट यू कैन ऐड। एंड इसके साथ साथ ग्रुप मेंटरशिप सेशंस वगैरह हो रहे होते हैं आप सबके लिए। अगर आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है, आपको हायरिंग मैनेजर को अप्रोच कैसे करना है, इसके अलावा डिफरेंट टेक्स के बारे में होते रहते हैं। सो ऑल दिस यू गेट फॉर अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यू कैन गो चेक आउट द वेबसाइट algoprep.in एंड यू कैन एनरोल इन दैट। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रेंट से। सो अगर आपको रेंट पे रहना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक फ्लैट में रहो, 2 BHK 3 BHK शेयर करके रह सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है आप किसी पीजी में रहो। अब अगर आप फ्लैट में रहते हो तो उसके साथ आपको और कॉस्ट भी बेयर करने पड़ते हैं, जैसे मेड का, आपके कुक का, इसके साथ साथ और भी छोटी मोटी चीज़ों का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। बट अगर आप पीजी में रहते हो तो आपको फूड, आपकी क्लीनिंग, ये सारी ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ होती हैं। सो अब आपको डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे हर सिटी में। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गेटेड सोसाइटी जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएं, उसका मैं आपको बेसिक एक रेंट का रेंज बता दूंगा कि इस रेंज तक मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा रूम ले रहे हो, कितनी लोकेलिटी कैसी है एंड वो सारी चीज़ें। सो इफ़ यू टेक लाइक 3 BHK में 1 रूम इन हैदराबाद, सो आपको अराउंड 15,000 to 20,000 कॉस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने फर्निश लिया है, अनफर्निश लिया है, आपके ऑफिस से कितना दूर है और चीज़ों से कितना ज़्यादा दूर है। टोटल जो 3 BHK का रेंट है वो हैदराबाद में आपको अराउंड 45,000 to 70,000 मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पीजी। अगर आपको पीजी लेना है, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, आपके 10,000 पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, दे कैन गो अप टू 20,000। इसमें आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जाती है, आपकी मील्स कवर हो जाती है, आपकी क्लीनिंग कवर हो जाती है। सो अगर आपको थोड़े बजट में रहना है, सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैंगलोर में। सो बैंगलोर इज कंपैरेटिवली अ लिटिल एक्सपेंसिव। जितने भी टेक बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके आसपास जो फ्लैट्स होते हैं, जो सोसाइटीज होती हैं, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो अगर आपको अपने ऑफिस के पास घर चाहिए, सो दैट माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव। दैट कैन गो फ्रॉम 18,000 to 25,000 फॉर अ सिंगल रूम। जहां पे रेंट है वो 60,000 से 75,000 to 80,000 तक चला जाता है फॉर अ 3 BHK इन अ गुड गेटेड सोसाइटी। अगर आपको स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स वगैरह चाहिए, आपको 45,000 to 50,000 में मिल जाएगा। दैट वुड कम आउट टू 15,000 फॉर अ सिंगल रूम। ऑल दीज प्राइसेस आर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। अब एक मेजर चंक गेटेड सोसाइटीज में ना आपका मेंटेनेंस में भी जा रहा होता है, लिफ्ट की मेंटेनेंस, गार्ड्स की सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मोस्टली आपको 5,000 to 6,000 पर फ्लैट होता है। सो डिवाइड बाय 3 करके इसमें रेंट में इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर आपको पीजी चाहिए तो 15,000 to 25,000 के अराउंड आपको बैंगलोर में पीजी मिल जाता है, बिकॉज इतना ज्यादा इनटेक है यहाँ पे। सो जो प्राइसेज हैं थोड़े कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव हैं बाकी सारी जगहों से। नेक्स्ट आपका आ जाता है नोएडा। नोएडा में आपको एक 3
एच के 30,000 के अराउंड में बहुत अच्छा सा मिल जाता है। एक रूम का रेंट कैन गो फ्रॉम 8,000 टू 12,000, आपको अच्छी गेटेड सोसाइटी अच्छी जगह पे मिल जाती है। एंड नोएडा इज वन ऑफ द लाइक आई वुड से चीपेस्ट एरियाज टू लिव इन, अगर टेक के कंपैरिजन में आप बोल रहे हो तो नोएडा में बहुत अच्छी सोसाइटी आपको 25-30,000 में मिल जाती है। एंड इसके साथ अगर आप पीजी वगैरह देख रहे हो तो पीजी भी आपको 8,000 से 12,000 के अराउंड मिल जाता है फॉर अ सिंगल रूम। एंड शेयरिंग नॉन शेयरिंग पे डिपेंड करेगा कितना आपका आपको पे करना है, बट इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 8,000 एंड गो अप टू 12-13,000। फाइनली हम आ जाते हैं गुड़गांव पे। गुड़गांव इज कंपेरेबल टू हैदराबाद, जितना हैदराबाद में रेंट है उतने कंपेरेटिवली गुड़गांव में भी रेंट है। वही अगर आप अच्छी सोसाइटीज में रह रहे हो, साइबर हब वगैरह के आसपास रह रहे हो, सो द टोटल रेंट इज अराउंड 45-50-60,000 फॉर 3 BHK। सो वही 15-20,000 के अराउंड आपका 1% का रेंट आ जाता है। एंड सिमिलरली आपको पीजी वगैरह देख रहे हैं तो 10-15,000 के अराउंड पीजी भी आ जाता है। अब इनको रेट करो, सबसे बेस्ट वुड बी 10/10, दैट विल गो टू नोएडा, बिकॉज नोएडा पे बहुत आपको काफी अच्छे फ्लैट्स बहुत कम रेट में मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट विल बी हैदराबाद एंड गुड़गांव, दे विल बी लाइक 8/10, बट बैंगलोर की सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा होता है, आपको सस्ते मिल जाएंगे बट आइदर दे विल बी 2 out of the city और थोड़ी अजीब लोकेशंस पे होंगे। सो बैंगलोर का अराउंड 5 out of 10 मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर का जो रेट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है चारों सिटीज में। जो ग्रोसरीज है उसमें अगर आप फ्रूट्स की बात करो तो फ्रूट्स आर अ लिटिल एक्सपेंसिव इन बैंगलोर एंड हैदराबाद, बट नोएडा एंड गुड़गांव में वो फ्रूट्स कंपेरेटिवली थोड़े सस्ते होते हैं, बिकॉज दिल्ली में के अराउंड टैक्सेस वगैरह कम है एंड हर चीज इज अ लिटिल लेस। सो आपको फ्रूट्स एंड वो वेजिटेबल्स वगैरह थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है यार, फूड। अब खाना तो सबको पसंद है, किसी नई सिटी में जाओगे तो खाना भी ट्राई करोगे, कुछ जगहों पे काफी अच्छी चीजें मिलती हैं एंड एवरीथिंग इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। अगर आप हैदराबाद जाओगे तो हैदराबाद में बिरयानी का बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, बिरयानी मिलती है काफी जगहों पे, बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है। अगर आप बैंगलोर आओगे तो बैंगलोर में आंध्रा वाला जो फूड है वो बहुत टेस्टी मिलता है आपको, साउथ इंडियन बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अब नॉर्थ में चले जाओगे तो भाई आपको नोएडा गुड़गांव में तो भाई छोले भटूरे चाट वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है। सो इट्स मोर अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको किस टाइप का फूड पसंद है। अगर आपको स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा पसंद है तो स्ट्रीट फूड, अच्छा स्ट्रीट फूड आपको नॉर्थ में ज्यादा मिल जाता है, साउथ में थोड़ा कम मिलता है। अगर आपको साउथ इंडियन पसंद है, आपको थोड़ा हेल्दी खाना पसंद है जिसमें लाइक इजी फॉर योर स्टमक है, तो वो आपको साउथ में काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अगर आपको स्पाइसी बिरयानी वगैरह पसंद है तो हैदराबाद में ज़्यादा मिल जाती है। सो जो ये रेटिंग होगी दैट विल बी माई पर्सनल प्रेफरेंस, बिकॉज मैं बैंगलोर, हैदराबाद एंड दिल्ली तीनों जगह रह चुका हूँ। सो आई विल रेट देम अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। यू कैन टेल अबाउट योर प्रेफरेंस इन द कमेंट सेक्शन। सो फूड के मामले में हैदराबाद वुड बी 8/10। वहाँ पे मेरे को नॉर्थ इंडियन वाली चीज़ें थोड़ी कम मिली, बट इन जनरल द फूड प्लेसेस कैफेज आर रियली गुड। स्ट्रीट फूड खाना है तो आपको कुछ जगहों पे स्ट्रीट फूड भी अच्छा मिल जाता है, बट वहाँ पे अगर आपको चाट वगैरह पसंद है ना तो वो थोड़ा कम जगहों पर मिलता है, इतना ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है जिस साइड मैं रहता था उस साइड तो। एंड इसलिए आई वुड रेट इट 8/10, बट इन जनरल इफ यू गो टू मल्टीपल प्लेसेस खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एक डाउनसाइड बस हैदराबाद में जो मेरे को लगती है कि आफ्टर 12 o'clock एवरीथिंग शट्स डाउन, तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं आफ्टर 12 o'clock आउटसाइड फूड के। ऑन द अदर हैंड बैंगलोर में, दिल्ली में, नोएडा में और गुड़गांव में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जाना ना जाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ ऑप्शंस तो मिल ही जाते। नेक्स्ट कम्स बैंगलोर। बैंगलोर वुड बी 8.5 out of 10, बिकॉज यहाँ पे साउथ इंडियन इज एक्चुअली गुड। रात को भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर आपको 10-11-12 बजे के अराउंड भी खाना है तो भी काफ़ी चीज़ें ओपन मिल जाती हैं। एंड में रामेश्वरम तो मिल ही जाता है अगर कुछ भी ना मिले तो, साउथ इंडियन खाना है। इसके अलावा कैफेज एंड सारी चीज़ें थोड़ा लेट तक खुलती हैं, थर्ड वेव 1-2 बजे तक खुला हुआ होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाके अगर आपको कुछ कॉफ़ी वगैरह पीनी है, कुछ उस टाइप का खाना तो मिल जाता है। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शन एज वेल एज द फूड इज रियली गुड। सो क्वालिटी क्वांटिटी सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। स्ट्रीट फूड के भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, काफ़ी नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस पे मिल जाते हैं। अगर मोमोज खाना पसंद है, चाट वाट खाना पसंद है, उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं मैं जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास, बट हैदराबाद में इतने नहीं मिलते थे। अब नोएडा और गुड़गांव तो भाई मैं 10/10 ही दूंगा, बिकॉज बींग अ नॉर्थ इंडियन मेरे को वहाँ पे सारी तरह का खाना मिल जाता है कंपेरेटिवली। हाँ का साउथ इंडियन इज नॉट दैट ग्रेट, बट मैं इतना ज़्यादा नहीं खाता तो मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। बट नॉर्थ का साउथ इंडियन इज नॉट दैट गुड ऑनेस्टली, यहाँ पे आगे पता चला मेरे को, तो मेरे को लगता था वही साउथ इंडियन है, बट एक्चुअल साउथ इंडियन खाना अगर खाना है तो बैंगलोर हैदराबाद इज अ बेटर प्लेस। नेक्स्ट थिंग इज टेक अपॉर्चुनिटीज़। आपको अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा मिल रही होती हैं इफ़ यू आर स्टेइंग इन द सिटी। सो हैदराबाद वुड बी 7 out of 10, बैंगलोर वुड बी 10/10, नोएडा वुड बी 7/10 एंड गुड़गांव विल ऑल्सो बी 7/10। सो बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे हैकाथॉन्स, बहुत सारी चीज़ें बैंगलोर में होती रहती हैं, बहुत सारे टेक समिट्स होते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। सो हैदराबाद में ऐसा कुछ नहीं होता था, देर आर वेरी लेस इवेंट्स, देर आर वेरी लेस मीटअप्स, देर आर वेरी लेस टेक समिट्स और थिंग्स लाइक दैट इन हैदराबाद। एंड सिमिलरली गुड़गांव एंड नोएडा में भी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, टेक कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि टेक कंपनीज कंपेरेटिवली कम है देन बैंगलोर। बैंगलोर में बहुत सारी चीज़ें हर टाइम हो रही होती हैं, सो दैट्स वाई दिस इज 10/10।
सो ये वाली चीज अगर आपको ये पसंद है, लोगों से मिलना पसंद है, कम्युनिटीज का पार्ट होना पसंद है, तो बैंगलोर इज द प्लेस टू गो। नेक्स्ट है भाई, अगर आप लोगों को पार्टी करना पसंद है, बाहर जाना पसंद है, बाहर खाना पसंद है, तो पहले जो फूड था वो नॉर्मल फूड की बात हो रही थी कि आपको अगर कुक रखते हो तो किस टाइप का खाना मिल जाएगा, बाहर जाते हो स्ट्रीट फूड वगैरह किस टाइप का मिल जाएगा। दिस इज अगर आपको कैफेज जाना पसंद है, अगर आपको एक्सपेंसिव जगह जाना पसंद है, अगर आपको पार्टी वार्टी करना पसंद है, तो किस टाइप का खाना, किस टाइप की वाइब मिल जाती है। तो इस केस में हैदराबाद वुड बी 7/10 बिकॉज जगह हैं बट देर आर लिमिटेड थिंग्स आउट देयर। अब बहुत ज्यादा ओपन होने लगी हैं एक्चुअली। व्हेन आई वाज इन हैदराबाद 6 months बैक तो कंपेरेटिवली कम जगहें थी, अब मैं अभी गया दिसंबर में तो और 2-3-4 जगह नई खुल गई थी। सो नई नई चीजें खुलती रहती है हैदराबाद में बिकॉज इट्स स्टिल डेवलपिंग and you'll find a lot of place, there are good places to go eat out party, but limited है। प्लस वो 12 बजे के बाद सब कुछ वहाँ पे बंद हो जाता है, सो आपको उस हिसाब से चीज़ें प्लान करनी होती हैं, सो काफ़ी कम ऑप्शन बच जाते हैं, बट या देर आर प्लेसेज टू गो इन हैदराबाद, सो 7/10। नेक्स्ट इज बैंगलोर। बैंगलोर में भी आपको बहुत सारी जगहें मिल जाती हैं, लेट तक भी खुली हुई मिल जाती हैं, खाना वाना भी बहुत अच्छा है, पार्टी करने जाना वो भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो इट विल बी 8.5/10। नोएडा वुड बी 7/10। नोएडा में मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली कम जगह है, जितने मैंने दोस्तों वगैरह से पूछा, एंड है भी तो बहुत स्पेस्ड आउट है, बहुत दूर दूर मिलती है। प्लस रात को निकलने में खुद ही मन नहीं करता, तो उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, बट हाँ दिस इज 7/10। एंड फाइनल इज गुड़गांव। गुड़गांव में भी यार काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, साइबर हब के आसपास रहते हो, सेक्टर 19 और सेक्टर 29 के आसपास अगर रहते हो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सो यू कैन गो आउट। रात को अगर पराठे खाने का मन कर रहा है तो भी बहुत सारी जगह आपको मिल जाती हैं। गुड़गांव स्टिल हैज अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन गो एंड एन्जॉय, सो दैट्स वाई 10/10। एंड 4-4 बजे तक भी खुली हुई चीज़ जगहें मिल जाती है आपको, रात को 5-5 तक भी मिल जाती है। मैं तो कभी गया नहीं बिकॉज मैं नहीं गया, बट हाँ आई हैव लाइक आज माई फ्रेंड्स एंड दे हैव टोल्ड मी कि ये सीन रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो होता है सेफ्टी, कि यार अगर आपको रात को बाहर निकलना है, अगर आपको किसी भी टाइम बाहर निकलना है तो कितना ज़्यादा सेफ है। सो इस वाले फैक्टर में यार जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैंने अपने आसपास वाले दोस्तों से पूछा है, फ्रेंड्स से पूछा है, ठीक है, सबने जो अपना ओपिनियन बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सो इसमें सबसे कम रेटिंग वुड बी नोएडा बिकॉज पीपल आर लाइक कि वहाँ पे कैब्स में जाने में, ऑटोज में जाने में थोड़ा डर लगता है, रात को निकल नहीं पाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, मतलब ये बहुत सारे लोगों से पूछ के दिया गया है। सो इट बी 4/10 फॉर नोएडा। देन कम्स गुड़गांव। गुड़गांव में इट विल बी 6/10 बिकॉज गुड़गांव में भी जो अच्छी जगहें हैं वहाँ पे एवरीथिंग इज गुड, बट इफ यू गो अ लिटिल इनसाइड गुड़गांव तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारे रील्स भी देखी होंगी, न्यूज़ भी देखी होगी, गाड़ियाँ रोक लेते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कट्टे निकाल लेते हैं। नोएडा गुड़गांव में थोड़ा ज़्यादा होता है, साउथ में इतना नहीं होता है, सो एक वो फैक्टर है फॉर सेफ्टी। लास्ट हैदराबाद एंड बैंगलोर वुड बी 8/10 बोथ बिकॉज यहाँ पे इन जनरल इट्स अ प्रिटी सेफ गोइंग आउट। अगर रात को भी आप बाहर निकल रहे हो तो टेंशन नहीं होती, किसी भी टाइम आप बाहर वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो, जितना मैंने देखा है काफ़ी कंपेरेटिवली बेटर है। यहाँ पर रोड पे आपको चलते चलते कोई रैंडमली नहीं रोकेगा, सब चीज़ें सही चलती है। अगर आप किसी से लड़ाई करोगे तो अलग बात है भाई, फिर सब अपने पे आ जाते हैं, बट इन जनरल आप नॉर्मल अपने रास्ते पे चल रहे हो, सो नो वन इज गोना कम पोक यू और डू एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट चीज़ आती है ट्रैवल। बैकपैकर्स लोगों को घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, रोड ट्रिप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, सो बेस्ट जगह वुड भी हैदराबाद। मजाक कर रहा हूँ, हैदराबाद में मत जाना बिल्कुल भी अगर तुम्हें रोड ट्रिप पसंद है, वहाँ पर कोई भी जगह नहीं जाने की। फॉर हैदराबाद यू नीड टू कम टू बैंगलोर टू गो एनीवेयर, सो दैट्स व्हाई हैदराबाद इज 2/10। हैदराबाद में कोई भी घूमने की जगह नहीं है, सिटी के अंदर आप एक दो जगह जा सकते हो, बट इसके अलावा वीकेंड गेटअवे कोई भी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं जाने के लिए फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, फ्लाइट पकड़ के आप कहीं पे भी जा सकते हो, बट इफ यू वांट टू डू रोड ट्रिप्स देयर आर नो ऑप्शंस देयर। उसके बाद बैंगलोर, नोएडा और गुरुग्राम, गुरगांव, Everything will be 10/10 because यहाँ पे दिल्ली के आसपास भी बहुत सारी places हैं। दिल्ली NCR के आसपास आप जयपुर उदयपुर जा सकते हो, आप मसूरी, मनाली, so many things, हिमाचल, उत्तराखंड में इतनी सारी जगहें जा सकते हो, बहुत सारी जगह हैं रोड ट्रिप्स की। सिमिलरली बैंगलोर में भी बहुत सारी जगह है रोड ट्रिप्स की, अगर आपको बीच जाना है तो बीच का ऑप्शन है, आपको हिली डेस्टिनेशन जाना है तो हिली डेस्टिनेशन का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर आपको बीच साइड जाना है तो दिल्ली के आसपास इतनी जगह नहीं है, बट बैंगलोर के आसपास आपको हर तरीके की चीज़ मिल जाती है, बट स्टिल यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू ट्रैवल, सो ऑल द 3 are 10/10। अब नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द सिटी। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है एक सिटी में तो क्या सीन रहता है। अब इसमें ना यार सबसे खराब बैंगलोर ही है, जो आपने सुना है वो सही है। कहीं भी जाने के लिए कैब नहीं मिल रही होती है, दैट इज ट्रू। अगर आपको ऑटो बुक करनी है, कैब बुक करनी है, तो आपको 3-3 ऐप्स में लगाने के बाद भी नहीं मिल रही होती है। अगर आप टेक पार्क में हो, अगर आपको वहाँ से घर जाना है, अगर आपके पास खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो भाई या तो निकलो तुम 3 बजे से पहले या निकलो 8 बजे के बाद। बीच वाले टाइम पे ऑटो कैब वाले आपकी एक्सेप्ट ही नहीं करते राइड, सो थोड़ा बुरा हाल है। इफ यू हैव योर ओन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या किसी और के साथ जाते हो, कार पुल करते हो, देन इट्स फाइन, देन इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, बट हाँ बेरेबल है, सही टाइम पे निकलो तो इतना नहीं होता। कभी कभी बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बट इट्स फाइन राइट। बट अगर आपके पास खुद का प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं है एंड आप ऑफिस से आ रहे हो या कहीं जाना है आपको 4 से 8 वाले टाइम में, तो भाई
नहीं हो पाता। इसके अलावा मेट्रो भी इन कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी प्लेसेस पे कंस्ट्रक्ट नहीं हुए है। वाइट फील्ड वाले एरिया में कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है, वहाँ पे अगर आपको जाना है तो सही रहता है, बट इसके अलावा और सारी जगहों पे इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। वंस मेट्रो इट लाइक स्टार्ट्स देन आई थिंक दिस वुड बी बेटर, बिकॉज जो ORR है वो पूरा कनेक्टेड हो जाएगा, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में बहुत आराम से जा पाओगे, बहुत सारी जगहें कनेक्ट हो जाएंगी एंड काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। सो दिस रेटिंग माइट गो अप इन लाइक नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, बट अभी करेंटली आई थिंक 5/10 ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हैदराबाद। हैदराबाद इज 7/10। हैदराबाद में मेन हैदराबाद में कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, बट जो टेक वाला एरिया है ना, हाईटेक सिटी, इसके अलावा आपका गचेबोली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। आपको ऑटोज कैब्स ही करनी पड़ती हैं या फिर आपका खुद का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैब्स ऑटोज मिल जाते हैं बट वही महंगी होती हैं कैब्स ऑटोज, तो रोज़ कोई नहीं करता, या तो आपके पास खुद की स्कूटी हो, साइकिल हो, बाइक हो, गाड़ी हो तो सही रहता है, अदरवाइज इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, या फिर आप कारपूल वगैरह कर रहे हो तो। सो दैट्स व्हाई 7/10। अब नोएडा गुड़गांव वुड बी 8/10। वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बसेस बहुत सारी मिल जाती हैं, इसके अलावा आपको और भी मेट्रो कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कंपेरेटिवली कैब्स एंड ऑटोज वगैरह भी थोड़ी सस्ती होती है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, प्लस पेट्रोल प्राइसेज कंपेरेटिवली कम है, CNG प्राइसेज कम है, सो वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सो दैट्स वाई बोथ ऑफ देम विल हैव 8/10। अब लास्ट है, इसमें कोई रेटिंग नहीं है, बट आपको किस तरीके का क्राउड मिलता है, किस तरीके के लोग मिलते हैं, अगर आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, अगर कहीं कैफे में जा रहे हो, कहीं पार्टी करने जा रहे हो, कहीं आप किसी इवेंट में जा रहे हो, सो आपको हैदराबाद में एंड बैंगलोर में यू विल फाइंड मोस्टली टेक पीपल, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्टअप्स की बातें होती दिखेंगे, आपको फंडिंग की बातें होती दिखेंगे, अगर आप कैफे शॉप पे बैठे हो तो आपको पक्का पक्का इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हुए लोग मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप नोएडा में रहते हो या फिर नोएडा में रहोगे या फिर गुड़गांव में रहोगे, तो वहाँ पे आपको मिक्स क्राउड मिल जाएगा, वहाँ पे आपको बिजनेसमैन भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको फाइनेंस वाले लोग मिल जाएंगे, थोड़े बहुत टेक के मिल जाएंगे, तो हर तरीके के लोग मिल जाते हैं वहाँ पे। सर सबकी जो फाइनल रेटिंग आती है वो कुछ ऐसे आती है, गुड़गांव इज एट 1, 8.42, देन आपके नोएडा और बैंगलोर टाइप हैं 7.85, 7.85, एंड फाइनली हैदराबाद की 6.7 आती है। ऑल ऑफ देम आर 10 एंड दीज आर पर्सनल ओपिनियंस प्लस जो पीपल से लोगों से पूछा है मैंने, एंड सबके अलग अलग फैक्टर्स हैं। अगर आपको ट्रैवल करना नहीं पसंद है तो ये रेटिंग हैदराबाद की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास खुद की गाड़ी है, तो ये रेटिंग चेंज हो सकती है। इसके अलावा अगर आप PG वगैरह में रहने के लिए रेडी हैं, थोड़ा बजट कट करते हैं, तो उस बैंगलोर की रेटिंग काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट एंड वेयर यू वांट टू स्टे, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, एंड आपको क्या करना पसंद है, किस चीज़ में मज़ा आता है। सो इसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसमें चीज़ें हटा सकते हैं, एंड देन यू कैन डिसाइड वेयर डू यू वांट टू स्टे, वेयर डू यू वांट टू लिव। सो दिस वाज इट अबाउट द वीडियो। इस वाली वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, सो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को तक नहीं किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।